कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उसे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे दो करवों तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेट कर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई की सींक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रख कर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू में घी एवं शंकर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटे में उड़द की पीढ़ी भरकर पकाया हुआ पकवान भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाई और एवं बाई ओर से रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें।